Hi, it's Math, it must be MathsByAmiya. Welcome again to the world of MathsByAmiya. So you have a question in front of you. What is the minimum value of this mod summation function? I want, please pause the video and try to solve this question. I hope aapne video pause ki hogi, question ko solve kiya hoga. Agar aapke paas half knowledge hai, toh questions galat ho gaya hoga. Agar aapke paas full knowledge hai, pura concept hai, तब आप इस क्वेश्चन को सही बना सकते हो. तो लोग आपको बताते क्या हैं, आपके टीचर्स आपको क्या बताते हैं कि मॉड फंक्शंस का जो वैल्यू होता है उनके रूट्स के मीडियन पर डिपेंड करता है. बट बहुत बातें वो बोलना आपको भूल जाते हैं. सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, आपके क्वेश्चंस में जो आपका मॉड फंक्शन है उसमें बहुत सारी बातें आपको देखनी आनी चाहिए. क्या है कि मॉड के पहले प्लस साइन होना एक अनिवार्य कार्य होता है when we work on the median. Median पे तभी काम होता है जब आपके mod के पहले या between the mod plus sign हो. यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो plus sign हो तो हम ऐसा सोच सकते हैं. और जब mod के साथ plus sign होता है तो ये generally एक boat function की तरह दिखना start होता है. What do you mean boat function? दोनों line आपके जो hands extreme वो ऊपर होते हैं और बीच में कहीं नीचे होता है. ये जो minimum मिलता है ना आपका, ये जितने भी roots होते हैं उसके middle value पे minimum मिलता है. बिकॉज बोट जो आपका होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके मिडिल वेव होती है, तो इसलिए हमने उसको बोलते हैं बोट. अगर आपका या मॉड फंक्शंस अगर आपका सारा पॉजिटिव है तभी हम मिडिल वैल्यू पे मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं. पूरा सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी मिडिल वैल्यू पे लाई करती है. बट कंडीशन क्या आपका, कंडीशन है आपका कि ये मॉड के पहले प्लस होना चाहिए. अगर मॉड के पहले माइनस आ गया तो हम मिनिमा इस पर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. तो ये सारी बातें शायद आपको आपके टीचर्स नहीं बताते हैं या मिस कर जाते हैं बताने का. मैंने कहा चलो ठीक है, सबके पहले क्या है प्लस साइन, तो इसके बाद बोलते हैं कि इसका रूट्स निकालो. रूट्स निकालने का क्या मतलब होता है कि अगर ये मॉड फंक्शन जीरो हो तो एक्स का वैल्यू दो होगा. मैंने कहा चलो ठीक है, अगर ये मॉड फंक्शन जीरो हो इंडिविजुअल में तो एक्स का वैल्यू वन होगा. अगर ये मॉड फंक्शन अगर जीरो हो तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस वन होगा. फिर उन्होंने कहा कि माइनस वन वन और टू का जो मिडिल वैल्यू होगा वन होगा. 1 को पुट अगर मैं यहां पे कर दूं, अगर मैं 1 को यहां पे पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 मॉडुलस प्लस 0 मॉडुलस प्लस 1 माइनस 2 मॉडुलस. तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1. ये मेरा मिनिमा देगा. अगर आपको ऐसा पता है तो आप गलत हो. तो मैं कॉन्सेप्ट के नाम पे फिर से आपको रिवाइज करता हूं कि आप गलत कहां होगे. ये जो मिडिल वैल्यू निकलती है रूट्स की वो तभी निकलता है जब प्लस साइन हो. जब प्लस साइन नहीं हो तो मिडिल वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं. और दूसरी बात, यहां पे आप सही हो यहां सही हो, ये जो आपने लिखा है ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है. अब ये गलत क्या है मैं आपको बताता हूं एक सिंपल सी बात. जिस तरह आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोलते हो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन के रूट्स क्या हैं, प्लस माइनस वन, मीन्स इसके दो रूट्स हैं प्लस वन और माइनस वन बिकॉज पावर टू है. अगर किसी भी पॉलिनोमियल में एन पावर्स होता है तो उसके एन रूट्स होते हैं. उसी तरह अगर आपसे बोला जाए मॉड एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो को, अगर आप एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो इक्वल टू वन आप सही बोल रहे हो. बट अगर लिखा हो टू एक्स माइनस टू इन अ मॉड इक्वल टू जीरो में अगर हम इसको रूट्स निकालना चाहें तो आप बस अगर इतना निकाल के रह जाओ टू एक्स इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू वन तो आप यहां पर गलत हो. ये उसी तरह गलत है जो जैसे यहां गलत है. मैं आपको फिर से बताता हूं एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो का x इक्वल टू वन एक रूट्स है. बट हम जब नंबर ऑफ रूट्स काउंट आउट करते हैं तो इसके रूट्स होते हैं वन एंड वन, दोनों रूट्स सेम है बिकॉज पावर टू है तो दो रूट्स होंगे. उसी तरह आपका जब मॉड फंक्शंस में x के साथ कुछ कोफिशियंट आता है तो ये बताता है कि नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं. तो अगर आपने x इक्वल टू वन लिखा है फॉर टू एक्स माइनस टू तो आप गलत हो. आप इसके लिए सही हो सकते हो, इसके रूट्स होंगे वन कॉमा वन. तो जब भी मॉड फंक्शंस के रूट्स लिखने या काउंट करने होते हैं तो x के आगे जो कोफिशियंट होता है, या आप इसको 2 माइनस ये भी लिख सकते हो, तो x के साथ जो कोफिशियंट आता है उतने सारे रूट्स आपके दिखते हैं. आप बोले मेरे को समझ में नहीं आया, तो ये जो लिखा हुआ है ना आपका ये 2x माइनस टू एक्चुअली जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है x माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन. ये दो अलग अलग मॉड फंक्शंस के तौर पे लिखा हुआ है. तो अगर आपका दो अलग अलग मॉड फंक्शंस लिखा हुआ होता है या एक्स के साथ जितने भी कोफिशियंट होते हैं रूट्स उतनी बार लिखनी चाहिए. तो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो हमने कहा कि चलो इसके रूट्स निकालते हैं. बट हम यहां पे एक गलती कर गए, एक्स का कोफिशियंट वन तो यहां पे एक रूट होगा, एक्स का कोफिशियंट वन तो यहां पे एक रूट होगा. बट यहां पे एक्स का कोफिशियंट क्या है, फोर है. तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो इसके रूट्स होंगे माइनस वन जो दिखेगा वो फोर टाइम्स दिखेगा, वन टू थ्री फोर, ये फोर टाइम्स का इफेक्ट लेके आएगा. अगली वैल्यू क्या होगी वन और उसके बाद अगली वैल्यू क्या होगी टू.
ये आपके रूट्स होंगे। अगर आप पहले ओनली माइनस वन, वन और टू के साथ काम कर रहे थे तो आप एथिकली नहीं मैथमेटिकली क्राइम कर रहे थे। तो हमने कहा कि चलो एक दो तीन चार पांच छह सेवन रूट्स हैं, सेवन रूट्स की जो मिडिल वैल्यू होती है वो होती है थ्री इधर, दैट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स रूट्स हैं, सिक्स रूट्स की जो मिडिल वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी, इस और इस वैल्यू के बीच में होती है। व्हाट इट्स मीन, मतलब दो इधर जाए दो इधर जाए और इन दोनों का जब मीडियन निकाल दे तो वो क्या होगा माइनस वन। जो पहले हमें प्लस वन दिख रहा था मीडियन, अगर हमने माइनस वन को फोर टाइम्स कर दिया तो मीडियन माइनस वन हो गई। अब मैं इस इक्वेशन में माइनस वन अगर पुट करूं तो माइनस फोर प्लस फोर इज जीरो प्लस, अगर मैं यहां माइनस वन पुट कर दूं बिकॉज माइनस वन इज द मीडियन, माइनस वन इज माइनस टू, मॉड लगा के टू निकलेगा। अगर मैं माइनस वन पुट कर दूं तो माइनस वन और माइनस टू माइनस थ्री, मॉड लगा के थ्री निकलेगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन इज फाइव एट माइनस वन, इसको याद रखिएगा। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है कि हम मॉड का मिनिमा कैसे निकालते हैं अगर बीच में प्लस साइन हो, मॉड का मिनिमा कैसे निकालते हैं अगर माइनस साइन हो, वो भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। बट आपको उसके लिए सारे कॉन्सेप्ट्स के सही तरीके पता हो, हाफ नॉलेज हमेशा लोगों को प्रॉब्लम करती है। एंड दिस इज द परफेक्ट नॉलेज कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्स के आगे अगर कोफिशियंट आता है इन अ मॉड फंक्शंस, तो वो काउंट करवाता है कि कितनी बार मैं इफेक्ट लेके आऊंगा अपने रूट्स का। मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह ये बात समझ में आ गई है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर दो। ये क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ, फेसबुक ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड आप जब समझते हो और प्रैक्टिस करते हो तो अपने आप को इंप्रूव करते हो, और आपके इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है इस चैनल पे, लास्ट लैप रिवीजन, बूट कैंप और भी बहुत कुछ आने वाले हैं। तो आप चैनल पे बने रहिए, अपना बेस्ट देते रहिए। माय सेल्फ अमिया, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।